गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 14 मार्च की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ कि करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, ना कि साइंस, बट करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। विच कंट्री इज द फर्स्ट टू यूज लोपिनाविर एंड रेटोनाविर कॉम्बिनेशन टू ट्रीट पेशेंट्स ऑफ कोविड-19? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज लोपिनाविर एंड रेटोनाविर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कोविड-19। कोविड-19 किसे कहते हैं आपका? ये कोरोना वायरस का नाम है, कोरोना वायरस 2019, ये इसकी फुल फॉर्म है, कोरोना वायरस 2019। अच्छा, इंडिया में ही यूज हुई है। और ये पता है आपको एंटी HIV ड्रग है, मतलब जो HIV पेशेंट्स हैं उनके इमरजेंसी में ये ड्रग दी जाती है। तो कोविड-19 के लिए भी ये ड्रग दी गई है। अभी एक कपल था जो इंडिया आया हुआ है और ही दे आर बीइंग ट्रीटेड इन जयपुर, और वहाँ पर ये ड्रग यूज़ करी गई है। और ये सेकेंड लाइन ड्रग है। सेकेंड लाइन ड्रग कौन सी होती हैं? जब फर्स्ट लाइन ड्रग इफेक्ट नहीं कर पाती तो ये सेकेंड लाइन ड्रग दी जाती है। तो लोपिनाविर और रेटोनाविर इंडिया में यूज़ की गई हैं। अच्छा, ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यहीं की ही हेल्थ मिनिस्टर को अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। पोचर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ किल्ड वर्ल्ड्स ओनली वाइट फीमेल जिराफ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केन्या। जी हाँ, वहीं पर ही वर्ल्ड की लास्ट फीमेल वाइट जिराफ सर्वाइव कर रही थी अलॉन्ग विद अ मेल एंड अ काफ, एंड अ मदर एंड काफ वर किल्ड बाय पोचर्स। सो ओनली द वाइट मेल इज अलाइव विच हैज़ बीन बर्थेड बाय लेट मदर। और केन्या के गैरिसा में ये किलिंग हुई है, जो आपकी ईस्ट केन्या में है। केन्या की बात करें, केन्या की कैपिटल है आपकी नैरोबी, और केन्या के ही प्रेसिडेंट हैं आपके उहुरु मुइगु केन्याता। और केन्या की आपकी हाईएस्ट पीक है माउंट केन्या, और ये अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट है। और ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है आपकी माउंट किलिमंजारो। और आइवरी कोस्ट, ये भी आपकी अफ्रीकन कंट्री है, और इसके साथ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है ऑन हेल्थ इश्यूज़। और आपके यूक्रेन के ही अभी आपके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, कौन? डेनिस स्मिहाल। और स्लोवेनिया के ही आपके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं अभी, कौन? जेनिस जानसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, आफ्टर हुज नेम इज मुंबई सेंट्रल स्टेशन रीनेम्ड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाना शंकर सेठ। जी हाँ, ही लिव्ड फ्रॉम 1803 टू 1865, और यही ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ही वॉज एन बिजनेस मैन, एजुकेशनिस्ट एंड अ फिलोथ्रोपिस्ट, एंड रेलवेज की डेवलपमेंट में तो इनका बहुत बड़ा काम था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन को ही तो आपका इंडिया का फर्स्ट ईट राइट स्टेशन बताया गया था, वैसे 4-स्टार रैंकिंग दी गई थी FSSAI द्वारा। और मुंबई ही आपकी कैपिटल है किसकी? महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के ही आपके CM है उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और वहीं के ही वाइस चीफ मिनिस्टर हैं आपके अजीत पवार। अच्छा, महाराष्ट्र में ही आपका पहला स्वच्छ भारत यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, कहाँ पर? वर्धा में। और मुंबई में ही आपका पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट है, ये आपके IBPS के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। और महाराष्ट्र में ही आपके दो नेशनल पार्क हैं, एक आपका गुगनल नेशनल पार्क और दूसरा आपका तादोबा अंधेरी नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक? तो
सही जवाब होगा आपका अमिताभ बच्चन। जी हाँ, इस बैंक को आप जानते भी होंगे क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में जब अमिताभ बच्चन चेक देते हैं आफ्टर विनिंग 3,20,000, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक का ही होता है और इसी के ही पहले ब्रांड एम्बेसडर, अभी तक इन्होंने किसी को नहीं बनाया था, पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन जी। IDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में और आपके इसके MD और CEO है वी वेद नाथन और आमिर खान आपके फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीवी सिंधु आपकी वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्हें ही अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड भी मिला है और इन्हें ही अभी टॉयसा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी का स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड भी मिला है। और स्पोर्ट्स की फील्ड में ही बात करें तो आपकी एक और एथलीट हैं दुती चंद, जिन्होंने 2018 में 100 मीटर में गोल्ड जीता था वुमेन्स कैटेगरी में और उन्हें अभी चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और दुती चंद को तो आप जानते हैं और एक और एथलीट है हीमा दास, जिन्हें अभी असम का DSP नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, सुनील शेट्टी, या आपके नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और नाडा ने ही अभी आपकी एक एथलीट चर्चा में रही हैं प्राची चौधरी, जिन्हें पॉजिटिव टेस्ट करा था फॉर द ड्रग ऑक्सिन ब्रोलोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, इन विच सिटी हैज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फ्री डिजिटल पार्सल रिटर्न सर्विस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलकाता। जी हाँ, अगर जैसे आप वर्किंग आवर्स की वजह से अपना पोस्ट कलेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड योर डोर वॉज लॉक्ड एट दैट टाइम, तो आप विद इन 7 डेज आप एक OTP दिखा के पोस्ट ऑफिस से ये पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। कोलकाता किसकी कैपिटल है आपकी? वेस्ट बंगाल की। आपकी चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धानकर जी। और कोलकाता में ही आपका GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है और कोलकाता में ही आपकी ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी है और कोलकाता में ही आपका लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम भी है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। और हुगली में ही आपकी पहली अंडर वाटर ट्रेन भी चली चली थी और इसी के ऊपर ही आपका सेकंड लार्जेस्ट फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। और अभी वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी तो नियुक्त हुए हैं, कौन? आपके अभिषेक डालमिया जी। और अभी कोलकाता यूनिवर्सिटी ने ही आपका अभिजीत बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर उपाधि दी है और अभिजीत बनर्जी को इस बार का नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स प्रेजेंट किया गया है, नोबल प्राइज फॉर। इनके साथ दो जनों को और मिला है, एक है एस्टर डुफ्रो, इनकी वाइफ है, और माइकल क्रेमर। कोलकाता में ही तो आपका ईडन गार्डन्स स्टेडियम है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन गया है? वो आपका गुजरात में बना है, अहमदाबाद में। उसका नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम। और कोलकाता में ही आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम भी है। अच्छा, और कोलकाता में ही आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हाई कोर्ट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने ही वर्ल्ड बैंक के साथ लोन साइन कराया है, लोन एग्रीमेंट, और ये आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस को सुलझाएगा। आप जानते हैं कि जब पीक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सीजन होता है तो किस तरह से शिमला एंड अलाइड एरियाज फेस वाटर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ही तो आपका भी लोसार फेस्टिवल मनाया गया था और हिमाचल प्रदेश की ही आपकी समर कैपिटल है धर्मशाला और विंटर कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश ही आपका भी पहला स्टेट बना था जो 100% LPG के अंडर आ गया है, अंडर उज्ज्वला योजना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थियरी रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज फाइनलाइज्ड फॉर्मेलिटीज टू फॉर्म कमिटी डेडिकेटेड टू ट्रेन फॉर फार्मर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन? तो सही जवाब होगा किसान रेल। जी हाँ, इस बार के बजट 2020 में भी ये मेंशन किया गया था। और ये रन क्यों की जाएगी? क्योंकि किसान के जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, मतलब जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, उनके लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रेन प्रस्तावित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन अवार्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ युगांडा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजेश छपलौत। जी हाँ, ये NRI हैं और इन्हें ही युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम क्या है, गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन अवार्ड, गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन अवार्ड। और इन्हें ही अभी प्रवासी भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। युगांडा के ही आपके प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसुवेनी। और ऑप्शन ये देख रहे हैं आप, अजय बंगा। जी हाँ, अजय बंगा ही आपके मास्टर कार्ड के CEO हैं और इन्हें ही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया है मास्टर कार्ड का ही। एन विश्वनाथन ये आपके RBI के गवर्नर हैं, जिन्होंने अब 3 मंथ्स पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जादव पेयांग, इन्हें ही आपका फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनकी ही एनवायरमेंटल एफर्ट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला था, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन एडजस्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी प्रोग्राम रैंकिंग्स? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यही आपका इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है अंडर 40 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ही आपका हाईएस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है इंडिया का, और ये आपका दिल्ली में ही है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये आपका इंदौर का एयरपोर्ट है, और बिदार एयरपोर्ट ये आपका कर्नाटका का एयरपोर्ट है जो अभी इनॉग्रेट किया गया था। क्यों? क्योंकि कर्नाटका को अभी उड़ान स्कीम के अंडर रजिस्टर किया गया है। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, रिसेंटली इन न्यूज़ ओरू पीडी उप्पू नेम डॉक्यूमेंट्री इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डांडी मार्च। यही आपकी 28 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है मलयालम लैंग्वेज में, जो आपके अभी 90 ईयर्स कंप्लीट होने पे डांडी मार्च के रिलीज बनाई गई है। आपकी 12 मार्च 1930 को आपकी डांडी यात्रा शुरू हुई थी। ओके, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अगर इफेक्टिव लर्निंग है तो उसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जल्दी से आपके लिए एक मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज रखी है, जिससे आप जो भी आपने अभी वीडियो में लर्न करा है उसे क्विकली एक बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट यू डू नॉट ईजिली फॉरगेट इट। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।